हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, थैंक यू। मुबारक हो सर आपको सबसे पहले तो, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल लीड कर रहे हैं और उन्हीं की जीत अब होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या कहेंगे सर? देखो, मैं सबसे पहले तो भव्य बिश्नोई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि भारी मतों से वो जीत रहे हैं, और जिस तरह से पार्टी ने पूरे चुनाव के अंदर सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जाकर जो पार्टी के लिए काम किया, उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि उनकी मेहनत आज रंग लेके आई और भव्य बिश्नोई लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से ही जीत रहे हैं अभी भी, और काफी लीड बढ़ेगी आगे आगे और एक तरफा सा माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था कि एक ओर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता और दूसरी ओर कांग्रेस के केवल दो नेता, भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमेशा कांग्रेस ही यहां से जीतती आई है, लेकिन इस बार कुलदीप बिश्नोई ने पाला बदला, अब उसका फायदा बीजेपी को यहाँ पर मिला है, और एक जो बीजेपी के लिए हमेशा से आदमपुर की धरती जो बंजर रही वो अब यहाँ पर एक तरीके से उपजाऊ हो गई है, अब कमल खिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, कमल खिलेगा। आप देख ही रहे हैं कि काफी अच्छी लीड है और अब तो कोई शक नहीं रहा कि कमल ना खिले, कमल जरूर खिलेगा। जी शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर सभी अब बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश बीजेपी के नेता भी नज़र आ रहे हैं कि अब उन्हीं के पार्टी के यहाँ से जो है उम्मीदवार अब विधानसभा पहुँचेंगे और जीत दर्ज करेंगे। तो बनवारी लाल जो कि हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री है, जिनको आप सुन रहे थे, और उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि भव्य बिश्नोई की जीत यहाँ पर अब पूरी तौर से सुनिश्चित हो।